नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। काफी बड़ी टीचर भर्ती का आपको वेट है। मैंने कल वीडियो बनाया था यूपी को लेकर के, लेकिन ये जो भर्ती है ये इससे भी बड़ी है। बस इतना फर्क है कि ये संविदा शिक्षक भर्ती है और 90,000 से अधिक पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो यहाँ मैं ऑफिस से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी बहुत इसकी वॉइस क्वालिटी पुअर हो सकती है, बीच में आवाज आ सकती है, तो उसको इग्नोर करना, अपने काम की चीज पर ध्यान देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो गेस्ट फैकल्टी टीचर राजस्थान की बात कर रहा हूँ। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि इसमें आज से प्रोसेस शुरू हो गया है, आपको अपने संबंधित स्कूलों में जाकर के खाली पद देखने हैं। दूसरी चीज ये कि ये जितने भी पद हैं, आप किसी भी जिले से आवेदन करें, आप किसी भी जिले के निवासी हैं, अगर आपको खाली पदों की संख्या देखनी है, किस स्कूल में कितने खाली पद हैं, तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, वो भी आप देख सकते हैं। तीसरी बात, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो वही रखी गई है जो एक टीचर के लिए रखी जाती है। इसमें थर्ड ग्रेड टीचर यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के, और इसके अलावा प्रवक्ता, लेक्चरर, ये सारे के सारे टीचर्स की भर्ती के साथ साथ पीटीआई वाली जो भर्ती है वो भी है ये, यानी कि ये सभी के सभी पद अस्थाई है, गेस्ट फैकल्टी के हैं। और पे स्केल वगैरह पर मैं वीडियो अलग से बना चुका था, उसका डिटेल भी आप देख सकते हैं। बाकी जो लिंक मैंने प्रोवाइड करवाया है वहां आपको सारी चीज मिल जाएगी, क्योंकि इस पर चूंकि एक वीडियो पहले से बना चुका मैं और अभी दूसरा वीडियो है, तो दोनों जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देख लेना, उसमें उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताया हुआ है, और इसके अलावा जो उसका जो मूल विज्ञप्ति है उसको भी शो किया था। और यहाँ अब इस वीडियो में आप चाहें तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस जिले में कितनी पोस्ट वैकेंट है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा और कहाँ आपको लेना है, वो सब भी इसमें यहाँ आपको मिल जाएगा। और पीओ, हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज और है मेरे पास, ये काफी सारी इसके बारे में डिटेल है तो मैं थोड़ा सा एक बार ये भी शेयर कर लेता हूँ। हाँ, तो इसमें हम बात कर लेते हैं व्याख्याता के लिए, तो 75 आपके पीजी के और 25% बीएड के अंक जुड़ेंगे तब मेरिट बनेगी। वरिष्ठ अध्यापक के लिए बात करें यानी कि सीनियर टीचर के लिए, तो 75 इसमें ग्रेजुएशन के और 25 आपके बीएड के अंक जुड़ेंगे, 25% तो मेरिट बनेगी। और अध्यापक लेवल 1 और 2 की बात करें तो वही 75 और 25 का रेशो है, लेकिन जो लोग रिटायर्ड हैं उनके लिए रीट क्लियर होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो लोग न्यू कमर्स हैं यानी कि फ्रेशर्स हैं उनको रीट क्लियर होना जरूरी है, जैसा कि रियल टीचर भर्ती में या स्थायी पदों पर भर्ती के लिए होता है। तो ये पूरी डिटेल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। विद्या संबल योजना के तहत राजस्थान में ये भर्ती हो रही है, और इसमें जो आपका अनुभव है यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें किसी प्रकार के अंक नहीं जोड़े जा रहे, ना ही साक्षात्कार है। तो देखो, ना तो इसमें एग्जाम है, ना आपका इंटरव्यू है, और ना ही आपका एक्सपीरियंस है, केवल आप अपने मूल अंक तालिकाएं ले जाएं, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने वो बता देता हूं, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन, आपकी पीजी, और इसके अलावा रीट का प्रमाण पत्र, बीएड डीएलएड जो भी आपने किया हुआ है उसकी अंक तालिका, चरित्र प्रमाण पत्र, और राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर आपका मूल निवास, मूल जाति प्रमाण पत्र, और चयन होने का शपथ पत्र भी आपको देना पड़ेगा। अब आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आवेदन भर सकते हैं और एक से अधिक स्कूलों में भर सकते हैं, पर एक बात ध्यान रखना कि जिस पीओ के अंडर में आप आवेदन करें तो वहां आपको एक ही आवेदन करना है, अलग अलग पीओस में तो आप आवेदन कर सकते हैं, अलग अलग पीईओ होते हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होते हैं तो उनके अंडर में काफी सारे स्कूल्स हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंडर में जितने भी स्कूल हैं आप उन सबके लिए एक ही आवेदन करेंगे, पहली बात तो ये। और अगर आप अलग अलग पीओस में करेंगे तो अलग अलग आवेदन कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसके अलावा फिर भी कोई डिटेल है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे ही किसी यूज़ वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।